नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर के गांव बस्ती कश्मीर सिंह में छोटी सी बात पर गुस्साए बेटे ने मां का किया कत्ल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुकेरिया के गांव बुढ़ा बाड़ में गत रात्रि चोरों ने दो घरों को बनाया निशाना। 18 तोले सोने के आभूषण व 4,60,000 रुपयों की नकदी चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर के थाना ममदोट के गांव बस्ती कश्मीर सिंह वाली के रहने वाले अमरजीत सिंह ने अपनी मां प्यारू बाई का ईंट मारकर कत्ल कर दिया था। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस घटना संबंधी एसपीडी रणधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरजीत सिंह, जो कि बस्ती कश्मीर सिंह थाना ममदोट का रहने वाला है, उसने अपनी मां का ईंट मारकर कत्ल कर दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि छोटी सी बात पर गुस्साए बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा अमरजीत सिंह का रिमांड लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज जो कत्ल होया सी, इस मुतलक जो है एक पर्चा दर्ज किया गया सी 35/24 बड़ी घटना हुई सी, जिते एक पुत ने अपनी मां का जो है कतल किया। अमरजीत जड़ा दोषी है, उन्हें अपने मां प्यारो भाई का कतल किया। जिहड़ी फिरोजपुर पुलिस है मानजोग SSP सौम्या मिश्रा जी दे लीडरशिप विच आ जड़ा है केस DSP देहाती साहब ते SHO ममदोट गोविंदा जी दी टीम ने 10 घंटे के अंदर आ जड़ा है केस ट्रेस किया, दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया है जी। ते हुण इहदा पुलिस रिमांड लैके तफ्ती जारी। धन्यवाद। मुकेरिया के गांव बुढ़ा बाड़ में गत रात्रि चोरों द्वारा दो घरों को निशाना बनाया गया। इस दौरान चोर घर के ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और दोनों घरों से लगभग 18 तोले सोना और 4,60,000 रुपयों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित अमित जडियाल ने बताया कि जब वे सुबह उठे तो देखा कि कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। जब उन्होंने इसकी जाँच की तो पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई। चोर उनके घर से लगभग 9 तोले सोने के आभूषण और घर में पड़ी लगभग 4,50,000 रुपयों की नकदी भी चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर रविंदर सिंह के घर पर भी चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोर उनके घर में से भी लगभग 9 तोले सोने के गहने और 10,000 रुपयों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि वे घर में सोए हुए थे और उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्हें लगता है कि चोरों ने शायद उन्हें कोई जहरीली चीज सूंघा दी हो, जिस कारण वे सोए रहे। तो वहीं पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही SHO हाजीपुर पंकज कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मौके पर मिले फिंगरप्रिंट और अन्य टेक्निकल टेक्निक से जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। मेरा नाम है जी अमित जरियाल। असि बुढ़ा बड़ की गलबात हुई वीरे? गलबात जी सवेरे 4 बजे मेरी बड़ी भरजाई जिदा उठे है, उन्होंने अपने कमरे का लोक देखा कि बंद ही अंदरली साइड तो कि अं बाहर सुते थे। जिले आप पिछले पास घूम के देखा अपने रूम का गली में जाके तो गली में ग्रिल पुटी दी सी, कोई अंदर गया, उन्हें अंदर जाके साडा पेटियां ट्रंक अलमारी सब कुछ बैड बुड तलोफ के उदे विचों तकरीबन 9-9.5 तोले सोना सीगा, विचों 4-4.5 लाख के करीब कैश सीगा। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ 6-7 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰ
चार चार सवा चार साढ़े चार लाख रुपया कैश है और नौ साढ़े नौ तोले सोना सीगा जी बस परस है ब्रदर का उसके आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह ए टी एम वगैरह कैश है दो चार हज़ार रुपया मतलब सब कुछ लै गए यही प्रशासन अगे यही मंग है जी कि हुण चोरों नूं फड़ो गरीब बंदे हैं जी तो वड्डे ने मंग मुंग के कितों पैसे किए हुण बाहर जाना वीजा लगी जो थोड़े दिनों टिकट करवानी है तो सारे पैसे लुट के लै गए जी प्रशासन अगे यही कि कोई हल करो साडा जी गरीब बंदे सवेरे उठिया एक बोटी उठी न्याणा जांदा पढ़न
ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਕਿ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਪੀ ਕਿਆ ਗਾਂ ਕੱਲਾ ਰਾਪੀ ਕਰਨ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਸੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਕੀ ਪੁੱਟੀ ਪਈ ਗਲੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਗਹਿਣਾ 9 ਤੋਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੋਟੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਤੀ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪੈ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘੜੀ ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰਾਤ ਔਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਤ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਲਗਭਗ ਕੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਗਹਿਣੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਆ ਗਹਿਣੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਟੀਮ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠਿਕਰੀ ਪੈਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਪੈਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਠਿਕਰੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਭਰਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਔਰ ਬਸਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਿਆਲਯ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਧੀਸ਼ ਕੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਕੇ ਪਾਸ ਸਭੀ ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਵੈਨਿਊ ਆਨੰਦ ਪਾਰਕ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਫੇਂਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਨੰਦ ਪਾਰਕ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੂੜੇ ਕੋ ਆਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਹ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦਿਖਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਕੂੜਾ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁਆ ਹੈ ਵਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਯੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 25 ਵਰਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਬਕਿ ਯੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 25 ਵਰਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਔਰ ਜਿਨ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਵਹ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ
वहीं उन्होंने कहा कि अमृतसर शहर को स्वच्छ रखने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रंजीत एवेन्यू दे विच आनंद पार्क है, उहदे नाल खड़ा मैनू जिहड़ा सोशल मीडिया तो पता लगा कि इत्थे जिहड़ा कूड़ा सुट्टिया जांदा, मैनू लगा कि बहुत गलत है क्योंकि इधर आनंद पार्क है, बहुत लोग सैर कर लाउंदे आ, इत्थे अग भी आ देखो लाई इहनां ने, धूआं इत्थे जिहड़ा उह ला दिंदे आ कूड़ा सुट के अग ला। कई लोगों को ऐ लगता कि जिदा ये पंजाब सरकार जिम्मेवार है, पंजाब सरकार के करके ये हो रहा है। मैं बस तुहानू कुछ कागज़ जिहड़े उह लैके आया, ये कागज़ जिहड़े ने ये जिहड़ा एग्रीमेंट होया उस समय जिहड़ी ये कूड़े वालियां दो कंपनियां सीगियां, एक अमृतसर एम एस डबल्यू लिमिटेड सीगी, एक एस एल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सीगी, दो कंपनियां सी। और ये एग्रीमेंट होया मतलब 18 मार्च 2016 और ये उस समय पंजाब दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की और बीजेपी की सरकार सी, और बीजेपी दे मंत्री सीगे जिहड़े जोशी साहब, जिहड़े अजकल उम्मीदवार ने अमृतसर तो, और जोशी साहब को ये महकमा सीगा, ये जोशी साहब दे ही कोल महकमा सीगा। पर ये इदां दा एग्रीमेंट किया, मैं सिर्फ 3 पेज लिया जिहड़े तुहानू दिखाउणे, वैसे ये मतलब 250-300 पेज का टेंडर मतलब जिहड़ा हुंदा जिहड़ा एग्रीमेंट है सरकार दा वो आ। और ये देखो तुसीं कि 25 साल लई करके जोशी साहब, देखो मैं कि करप्शन का जां कोई होर दोष नहीं लाउंदा, पर मैं ये दोष है मेरा कि तुसीं यार एक कंपनी नूं 25 साल लई बंदता, वो कंपनी हुण दिवालिया होके चली गई, हुण इहदा जिम्मेवार कौन? इहदा जिम्मेवार पंजाब सरकार थोड़ी है। और ये जिहड़ा फिर अजे ये भी नहीं पता लगा कि उहदी 109 करोड़ उहनां दी सिक्योरिटी सी जिहड़ी जब्त कीती जा सकदी, उह जे इहदा कागज़ नहीं निकले भी जब्त होई कि नहीं होई, उह भी 19 दे विच होणी सीगी। और माड़ी गल की हुई कि 16 च एग्रीमेंट होया, 17 तक एक साल तक मतलब जिहड़ा अकाली दल ते बीजेपी की सरकार सी, और ये कंपनी ने 6 महीने तो बाद ही जदों एग्रीमेंट होया 6 महीने तो बाद ही इहदा जुलूस निकल गया। ये पैसे लैके जिहड़ी छक्की गल है कि 25 साल ही एग्रीमेंट क्यों कीता, गल ये कि 25 साल ही तुसीं एग्रीमेंट करके सारे शहर का जिहड़ा कूड़ा उहनां नूं दे गए हो, वह दिवालिया होकर चले गए। हुण ये कंट्रैक्ट जिहड़ा जो मैं स्टडी किया कि इहनूं कैंसल जिहड़ा किद्दां कीता जाए, ये साढ़े लिए बहुत वड्डी प्रॉब्लम है पंजाब सरकार लिए। पर मैं मतलब अमृतसर शहरियों नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं घबराओ ना, आपां लोक सभा इलैक्शन जित्तण तों बाद ये सीधा ही जिहड़ा अमृतसर की सफाई का इशू आ, ये देश के प्रधानमंत्री को उठावांगे। और इन्हां 10 सालों दे विच मोदी साहब भी अमृतसर च आए, कई बार आए, और उन्होंने भी कोई अमृतसर की सफाई वाल ध्यान नहीं दिता, कूड़े वाल कोई ध्यान नहीं दिता, सब देख दी गल। हुण आपां जिहड़ा इहनूं मतलब एम पी बन तों बाद जिहड़ा वो असीं मतलब जिहड़ा इहदा हल करांगे, वकीलां नाल बैठ के, हाई कोर्ट दे वकीलां नाल बैठ के ये टेंडर जिहड़ा किद्दां रद्द हो सकदा। सो मेरी जोशी साहब नूं बेनती है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦੌਰ ਮਾਡਲ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੌਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਆਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ भाजपा के उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू अपने नामांकन पत्र भरने अमृतसर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तरनजीत सिंह संधू अमृतसर से भाजपा के उम्मीदवार है जिन्होंने देश की बहुत सेवा की है। उन्होंने कहा कि अब अमृतसर की जनता इन्हें एक अवसर दे और जिताए व गुरु नगरी की सेवा करने का मौका दे। वही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि अमृतसर की जनता तरनजीत सिंह संधू को मौका देकर दिल्ली भेजेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और अमृतसर का पक्ष लोकसभा में रखने में तरनजीत सिंह संधू एक बेहतर उम्मीदवार हैं। वही उन्होंने कहा कि उन्हें तरनजीत सिंह संधू का नामांकन पत्र भरवाते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज हम नामांकन हमारे उम्मीदवार जो है तरनजीत सिंह संधू को हमें लगता है पूरा विश्वास है कि अमृतसर को चुनेगी इनको दिल्ली भेजेगी। ये संसद के बहुत अच्छे सदस्य होंगे। भारत के ये सबसे मशहूर एम्बेसडर हैं। इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। अब समय आया है जिन्होंने देश की सेवा की है अब वो अमृतसर की सेवा करेंगे। इनकी बहुत दिल्ली में कदर करते हैं लोग। इस बार दिल्ली की पहुंच होगी जो दुनिया में पहचाना जाएगा। पूरे दुनिया से अगर अमृतसर के लिए पंजाब के लिए पंजाब का पक्ष रखना है अमृतसर का हित आगे करना है आप तरनजीत सिंह संधू से और अच्छे आदमी चुन नहीं सकते। सर इन्होंने अमृतसर में कॉन्सुलेट खोलने की मांग की। वो आप ऐसा करिए मैं शाम को मैं इस पे मैं बात करूंगा आप जरूर। तो अभी बात बहुत खुशी है मैं इनको सपोर्ट देने आया हूँ और आप सब इनका समर्थन करिए। नमस्कार। लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यामिनी गोमर द्वारा अपने नामांकन पत्र दाखिल किए गए जिसके चलते एक विशेष रोड शो का आयोजन भी किया गया। इस दौरान उनके साथ पंजाब प्रदेश कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग एवं अन्य सीनियर कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। आज दे नॉमिनेशन फाइल करना है और गदारी ते वफादारी की लड़ाई है। गदारी दे वफादारी की लड़ाई है और धोखेबाजा के खिलाफ लड़ाई है। और मैनु उम्मीद है कि इस गदारी और वफादारी की लड़ाई दे विच एक आम सधारण परिवार की लड़की यामिनी गोमर नू हुशियारपुर के लोग फतेह बख्शनगे और अपना आशीर्वाद देंगे। महिलावां नू जिहड़ा बढ़ावा दिता क्योंकि इह तो हुशियारपुर तो लेडीज है पर कि दूसरी पार्टी ने कोई भी विश्वास पर मैं तो कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी गल्ला करदी है महिलावां दीआं एक भी महिला नू टिकट नहीं दित्ती गई। बाहरलियां पार्टियां चों इस तरह लोकां नू लैके गए और आम आदमी पार्टी दे वलंटियर नू चुनाव लड़ाउणा चाहीदा सीगा ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਾ।
ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ, ਬਟ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਨਾਮੰਕਲ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 2024 ਕੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵੋਂ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਭਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓਂ ਸਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਨ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓਂ ਕਾ ਪਕਸ਼ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਛੋੜਾ ਥਾ। ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਂ ਰਹਿਕਰ ਵੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲੀਏ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਬਸੇ ਹੀ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਔਰ ਵਰਕਰੋਂ ਕੋ ਦਬਾ ਕਰ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਲੋਕੋਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਵਾਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਉਟੀ ਕਰਦੇ, ਚਮਚੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 19.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। 85 ਵਾਰਡਾਂ, 700 ਪਿੰਡ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਖਰੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ,
पुराना साथी मेरे वीर जी कोई रह नहीं गया उत्थे सब नवे बंदे आ इन्होंने पुराने सारयां नूं कई कढ कुढ दिता कई पंजवीं लाइन च बहाता ये बंदे अपने ते विश्वास ही नहीं करते जिहड़ा कैंडीडेट आया जो रेंदे उन्होंने दबके मारदा पिया इन्हां दा बीजेपी वाला अफसर है ना आई एफ एस उन्होंने ऐ लगता घर तनखाही है वर्कर प्यार मंगता इज्जत मंगता जफ्फी मंगता तो वह इन्हों वस का रोग नहीं क्योंकि एटीट्यूड एक बनया हों पब्लिक ना ग्राउंड ना कभी जुड़ ही नहीं सकते इन्हों वस का रोग नहीं अफसर ब्यूरोक्रेट के वस का कम है ही नहीं राजनीति इन्हों एटीट्यूड बनया हों बहर खिलारना मर्जी मिलना नहीं मिलना गल कि चज ना करनी नहीं करनी इस करके वो बीजेपी वाला काम जरा पिछली बार आई एफ एस लियाए वो मुड़के मुड़िया कोई 3.5 लाख वोट लई पुरी साहब ने चलो नहीं दिते 3.5 लाख वोटर की भावना तो सी ना लोगों वोटर की तुम मंत्री बन गए जी अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्टर बने सेवादार ने इनू समार्ट सिटी डिकलेयर किया जो मेरे को लोकल बॉडी से इन्ना अरबा रुपया समार्ट सिटी कुछ कर देंगे अमृतसर हूँ अमरीका तो ना लिया पैंता दिल्ली वाले ना सर जाता पुरी साहब ने लोकल देते इन्होंने कोई दबार नहीं लोकल एक बनाया से राज्यसभा टन्योर भी ज्यादा होंगी साल 6 साल तो दायरा भी वड्डा पूरा पंजाब से पर जो रिटायर होए टन्योर मुक्की तो देंदे तो राज्यसभा इस करके भी अगली बार लोकसभा लगाव अपने काम ना लोकसभा खड़ी करूँगा पर जो ये टाइम पूरा होया तो लोग कहते काउंसलर लड़के विखा दे जित जो जोगा है देना यह हाल इन्हों का इस करके ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਲਾਊਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਊਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਨਪੁਰਾ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣਨ ਡਿਆ ਅਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਹੀ ਡੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋਣ ਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4 ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਨੇ ਨਾ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਸੱਜਣ ਜੇ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 3 ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव व अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में नए प्रोजेक्टों श्री अन्नपूर्णा हॉल गीता मंदिर चैरिटेबल डिस्पेंसरी मॉडल टाउन में न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ डेंटल चेयर रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में शहीद देवदत्त खुल्लर मेमोरियल लाइब्रेरी और श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के श्री हनुमान मंदिर व श्री राम मंदिर के ऊपर नई कनोपी के शुभारम्भ किए इन सभी प्रोजेक्टों का शुभारम्भ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज
डायरेक्टर वाणीबीज श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल व सचदेवा साड़ी से हरीश सचदेवा के कर कमलों से हुआ। इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर वाणी विज व शहर के गणमान्यों का स्वागत श्री गीता मंदिर के प्रधान विजय खुल्लर, उपप्रधान एमएल चोडा, सेक्रेटरी संदीप शुक्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार, कैशियर एमएल अग्रवाल, सहायक सेक्रेटरी बलभद्र कपूर, स्कूल चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, मोना जलोटा ने किया। जिसके बाद श्री अन्नपूर्णा हॉल में स्वर्गीय हरवंश लाल शर्मा व स्वर्गीय राजरानी शर्मा की याद में नए एयर कंडीशन के कार्यों का शुभारंभ हुआ। इस समारोह में श्री गीता मंदिर के प्रधान विजय खुल्लर ने सभी आए हुए गणमान्यों का स्वागत कर मंदिर स्कूल चैरिटेबल डिस्पेंसरी में किए जा रहे कार्यों के बारे में उपस्थिति को जागरूक किया और जल्द आने वाले दिनों में मंदिर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के बारे में भी बताया कि मंदिर के बाकी रुके हुए विकास कार्यों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर वाणी विज ने इस शुभ कार्यों के लिए श्री सनातन धर्म सभा, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर व उनकी पूरी टीम को शुभ कार्यों के लिए बधाई दी और आगे चलकर इसी तरह मंदिर के निर्माण कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित भी किया। इससे पहले करवाए गए हवन यज्ञ में पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गीता मंदिर प्रबंधक कमेटी से आहुतियां डलवाकर सभी के सुखमय जीवन की मंगल कामना की। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर के प्रधान विजय खुल्लर, उपप्रधान एमएल चोडा, सेक्रेटरी संदीप शुक्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार, कैशियर एमएल अग्रवाल, सहायक सेक्रेटरी बलभद्र कपूर, स्कूल चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, मोना जलोटा, गुलशन चौधरी, लखबीर सिंह लाली घुमर, रणबीर जगोता, एस डी शर्मा, रविंदर खुराना, सुरेंद्र खुल्लर, वरिंदर खुल्लर, नवा शहर के एडीसी राजीव वर्मा, रवि कक्कड़ पीपीआर व होटल रमाडा से, राजन चोपड़ा, गुलशन चौधरी, सरप्रीत मनकू, एडवोकेट हरजीत कालड़ा, परमवीर घुम्मन, अमित कुकरेजा, सौरभ खुल्लर, नरेंद्र सिंह भारज, प्रोफेसर विपिन झांझी, योगिता खुल्लर, अनीता खुल्लर, प्रेरणा खुल्लर, उषा शर्मा, सारिका, अलका सैनी, नीलम खुल्लर, रविंद्र खुल्लर, मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अबकार सिंह, वाइस प्रिंसिपल वरिंदरजीत कौर, सीनियर लेक्चरार परमिंदर कौर सहित शहर के गणमान्य लोग शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सनातन धर्म सभा पंजाब, ब्राह्मण सभा पंजाब, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, अखिल भारतीय स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे। इस मौके पर विश्व सनातन धर्म सभा पंजाब के प्रधान अश्विनी सेखड़ी, ब्राह्मण सभा पंजाब के प्रधान देवी दयाल पराशर, ज्ञान प्रकाश गर्ग, अखिल भारतीय स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रभारी बुद्धिश चंद्र अग्रवाल व भारत भूषण ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात कर उन्हें भगवान श्री राम जी की तस्वीर भेंट कर धर्म कर्म के प्रति किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान सभी ने कहा कि अगर सनातन समाज को बचाना है तो हम सभी को एक होने की जरूरत है। इसके लिए विश्व सनातन धर्म सभा पंजाब, ब्राह्मण सभा पंजाब हिंदू समाज को जागरूक करने का प्रचार प्रसार कर रही है। इस अवसर पर विद्यासागर, तनसुख गोयल, गुलशन महाजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनुजिया की रिपोर्ट। विश्व सनातन धर्म सभा आज सारी टीम सारे पंजाब के साथ रहे, सनातनी प्रधान ने सारे इकट्ठे हुए, महाजन सभा दे, खत्री सभा दे, ब्राह्मण सभा दे और नाल ही साढ़े अग्रवाल सभा, सारे स्वर्णकार संघ के प्रधान इकट्ठे हुए और असी
देवी तालाब शक्ति पीठ से मत्था टेकन गए और नाल ही दूसरे मंदिर मत्था टेकन गए। बड़ा आशीर्वाद मिले। प्रार्थना करके आए कि पंजाब के सनातनी सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे हो के एक डायरेक्शन चलीए, क्योंकि असी जे अपनी दिशा सही ना की तो पंजाब जिस तरह के नशे च डुबदा जा रहा, पंजाब की जी पंजाब पंजाबीयत के उत्ते खतरा पाया, साड़ी कल्चर से साड़े सभ्याचार से जोड़ा इस वे सब तो वध खतरा है कि पंजाबीयत ही जी सा खतरे जा गई। असी अपने रहन सहन के तरीके भुल के पुराने साझा भुल के जोड़े दूसरी तरफ डायरेक्शन चल रही है वो असी उस प्रार्थना करना है कि सब इकट्ठे हुई है। और अज जरा साढ़े सनातनिया का मान सम्मान नरेंद्र भाई मोदी जी ने सही किया, 550 साल की नमोशी साढ़े भगवान राम जी के मंदिर की जगह के उत्ते उन्होंने मस्जिद बना के सू 550 साल तक जलील किया। और फिर उस तो बाद गोरिया के राज 200 साल भी कुछ नहीं हो, और आज़ादी तो बाद भी 70 साल तक कुछ नहीं हो। अज नरेंद्र भाई मोदी ने उस भगवान राम जी का जोड़ा टेंटा चो कट के जोड़ा बहुत भव्य मंदिर बनाया और प्रधान प्रतिष्ठा की गई और मंदिर का उत्थे निर्माण होया। सारे सनातनी जोड़े धन्यवाद करते हैं, सारे सनातनी जोड़े कृतज्ञ ने, किसी का किता भुलते नहीं। अज जिस युग पुरश ने इन्ना महान कार्य किया, दिल जोड़ा है साड़ा सनातनियों का अज मोदी जी ने जुड़िया। और सब जने अभी मिल के कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी ये भी कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको जो राम को। विश्व सनातन धर्म सभा वालों अज असी विशेष तौर पर बाऊ जी के आशीर्वाद लैके पहला सब तो पहला असी देवी तालाब मंदिर के दर्शन किए, बहुत ही मन प्रसन्न होया। उदो बाद असी अज दफ्तर बाऊ जी मिलने वास्ते पूरी टीम साड़ी सनातन धर्म की आई है, तो जो बाऊ जी ने सानू हौसला और प्यार सत्कार दिता, सारा सनातन धर्म प्रेमी सारे साडे मैंबर अश्नी शेखड़ी जी इस गलों उन्हों का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो नाल असी बेनती भी करके आए, सानू आस भी है कि सनातन धर्म सभा जो भी साड़ी बनी है विश्व सनातन धर्म सभा जिथे पंजाब दे विच सारे मंदिरां दे विच सारियां संस्थावां नूं नाल लेके चलेगी, उत्थे असी पूरे हिंदुस्तान दे विच ये भगवा झंडा फहरावांगे, क्योंकि साढ़े जिहड़े नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश दे महान मैं तो कहना संत और प्रधानमंत्री वो सनातन धर्म ते गर्व करते ने। और जिहड़े भी कंट्री दे विच जांदे ने वो कहिंदे मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं पहला हिंदू हाँ, मैं हरेक मंदिर च जाके ते उन्हां तों प्रेरणा भी मिलती है, तो वो साढ़े हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। हुण वक्त आ गया असी सारे सनातनी मिलके जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी के मजबूत करे। और 400 पार जो बात कही गई है हम 450 पार इसको करे, तभी सनातन धर्म जिंदा रहेगा। जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में विश्व सनातन धर्म सभा पंजाब के प्रधान देवी दयाल पराशर, ज्ञान प्रकाश गर्ग, विद्यासागर तनसुख गोयल महाजन, समाज के पंजाब प्रधान गुलशम महाजन, अखिल भारतीय स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रविंदर वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रभारी बुद्धेश चंद्र अग्रवाल, भारत भूषण ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सभी माँ भक्तों ने माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर ट्रस्ट, महाकाली मंदिर, माँ वैष्णो देवी गुफा, श्री अमरनाथ गुफा सहित मंदिर में स्थित प्राचीन मंदिरों में जाकर आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर इन सभी ने श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। इस मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री देवी तालाब महान जड़ी शक्ति पीठ है, साड़ी विश्व सनातन धर्म सभा की सारी टीम मत्था टेकन आया, अरदासा करन आया, प्रार्थना करन आया माता के चरणा च कि माता पंजाब नूं देश के नाल मेल के तरक्की राह ते लैके आए। और अज असी सब सारा सनातन जिहड़ा समाज है पंजाब का इकट्ठा हो गया, इको चीज़ असी कर रहे हैं, यही चीज़ कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जलंधर में भी सब मिलके भगवा लहराएंगे, पंजाब में भी से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ब्राह्मण सभा दीपनगर जालंधर छावनी की ओर से भगवान श्री परशुराम जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें लवजीत जोशी और पूजा ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर हवन यज्ञ में होतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके पश्चात संकीर्तन का आयोजन किया गया और अंत में आए हुए भक्तों के लिए प्रीति भोज का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन आर के शर्मा, अध्यक्ष खेमचंद जोशी, संयुक्त सचिव सत्यदेव शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, सुरेंद्र वशिष्ठ, के शर्मा, डीआर शर्मा, हरीश शर्मा, विजय कुमार देवेश्वर सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। परशुराम महाराज की जय। आज बहुत ही पवित्र दिन है, भगवान परशुराम जी की जयंती हम मना रहे हैं यहाँ पर। ये उपराधा हमने तकरीबन 16-17 साल पहले शुरू किया था और तब से ये कंटिन्यू है। कभी यहाँ पर, कभी किसी और जगह पर हम ये परशुराम जयंती जरूर मनाते हैं। और जितने भी हमारे भाई बंधु, बच्चे, मेरे मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भगवान परशुराम सबके ऊपर अपना मेघ भरा हाथ रखेंगे और सबके परिवारों में खुशी, शांति और अच्छी सेहत का वरदान होगा। आज ब्राह्मण सभा दीपनगर की ओर से हर वर्ष की तरह भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। अभी अभी सभी भक्तों ने हवन किया है, जिसमें सारे सोसाइटी के, दीपनगर के, जलंधर टेंट के लोगों ने हिस्सा लिया है। उन सभी का सभा की ओर से मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हलचल की टीम की ओर से राजपूत जी आए हैं, उनका भी अभिनंदन सभा करती है। और नैनी जी, हमारे नारायण शर्मा जी एंड पार्टी भगवान के भजनों का प्रवचन करेंगे इसके उपरांत, उसके बाद में लंगर वितरित किया जाएगा। ब्राह्मण सभा दीपनगर जालंधर छावनी की तरफ से, जो कि हर साल की तरह हम ये भगवान परशुराम जी का जन्मदिन उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 2006 से हमने ये इसकी शुरुआत की और रेगुलर हमने हर साल भगवान परशुराम जयंती बड़ी हर्षोल्लास से मनाई है। इसमें पंडित हरिचंद्र हरी जी ने हवन यज्ञ किया और उसके बाद हवन यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण हो रहा है। मैं ब्राह्मण सभा की तरफ से आप सबको परशुराम जी के लाभ बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ हलचल के टीम एडिटर जतिन राजपूत जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ आकर उन्होंने हमारा हर साल की तरह ये शुभ बनाते हैं। इसके अलावा हमारी भजन गायक सम्राट नारायण शर्मा जी, नैनी ग्रुप, म्यूजिकल ग्रुप का भी यहाँ काफ़ी स्वागत करता हूँ। ठीक है भाई। हमारे जितने भी समस्त कार्यकारिणी ब्राह्मण सभा की, कर्नल आर के शर्मा जी, सत्यदेव शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, हमारे जेसरा शर्मा जी, सुरेंद्र वशिष्ठ जी, हमारे अपने हनुमान जितने भी हैं आए हुए, उनका मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारी बहुत बहुत दिन रात एक करके अपना इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मेहनत की। शर्मा धूप वाले के मालिक पवन शर्मा, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म पगड़ी श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री रामहाल जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित देवानंद शास्त्री और पंडित अनिल शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय पवन शर्मा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व CPS KD भंडारी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, तरसेम कपूर, मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज, श्रीकंठ जज श्यामलाल चड्डा, बब्बी चड्डा, विक्रम कौशल, विवेक सूरी, पवन सूरी, पवन मेहता, अनु सचदेवा, जसबीर मोदी
संजय कुछड़, राजेश मिंटू, चंद्र मोहन राय, रामदेव वर्मा, भगत अजयपुरी, वीरभूषण आचार्य, चरणजीव सिंह लाली, जेपी सिंह, भूषण कोहली, सौरभ शर्मा, रमन शर्मा सहित पारिवारिक सदस्यों में पत्नी वीना शर्मा, अश्विनी शर्मा, साधना शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, पूनम शर्मा, स्वर्णलता, रोजी शर्मा, सुनील शर्मा, प्रिया शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय पवन शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। पुत्र ने सेवा इत्यादि जो भी स्मरण किया है, अपने पिता को उद्भव सागर से पार करके नारायण के चरणों में हमेशा हमेशा बिठा दिया है। सत्य क्या है? परमात्मा मोक्ष है, तो दो ही शब्द है, क्योंकि समय पुत्र है। होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, चाहे रंग का हो या राजा, एक दिन
तो वो भी जाए, चाहे लाख तू बचा ले, आखिर तो गिर है जानी एक माटी की इमारत। तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना, तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना, दौलत रुपया पैसा नहीं काम तेरे आना, तू कर नाम की कमाई जो है साथ तेरे जानी, इसका है क्या भरोसा कब का तो एक माटी की इमारत। संसार कष्ट भरे मजेदार एक दुनिया है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर के गांव बस्ती कश्मीर सिंह में छोटी सी बात पर गुस्साए बेटे ने मां का किया कत्ल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुकेरिया के गांव बुढ़ा बाड़ में गत रात्रि चोरों ने दो घरों को बनाया निशाना, 18 तोले सोने के आभूषण व 4,60,000 रुपयों की नकदी चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।